जोन जहां हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिनसे आपको दूर रहना है, जहां आपका निवेश खतरे भरा हो सकता है। और इसमें मदद करते हैं हर रोज मेरे कुछ सहयोगी साक्षी मौजूद है हमारे साथ, जो बताती हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक नेगेटिव न्यूज फ्लो है, नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव देखा जा रहा है। साथ ही संदीप मौजूद रहते हैं शो में, जो कि बताते हैं एक ऐसा शेयर जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बिकवाली किराया दे रहे हैं या फिर दूर रहने की सलाह है उनकी ओर से। पेनी स्टॉक भी हम एक आपको बताते हैं जहां पर जोरदार तेजी आई है हाल ही में, अलर्ट आपको रहना है। और साथ ही एक बार फिर से आज हम बात करेंगे कल की तरह एक ऐसी कंपनी की जहां पर गिरवी रखे शेयर्स परेशानी का सबब बन चुके हैं कंपनी के लिए, बैंक्स के लिए और निवेशकों के लिए भी। यानी जो आउटलुक है उस कंपनी को लेकर वो बहुत ही खराब है और निवेशक उन शेयरों में फंसे हुए हैं। बताएंगे आपको उस स्टॉक के बारे में भी, लेकिन शुरुआत करते हैं साक्षी के साथ। बताइए साक्षी, कौन से शेयर्स है आपके पास? शुक्रिया दीपाली, आज शुरुआत करेंगे दो शेयर्स के साथ। टीबीजेड होगा आज का मेरा पहला शेयर। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर क्वार्टर फोर के जो नतीजे रहे हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, जिसके बाद इस शेयर में वीकनेस देखने को मिल रही है। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, 18.49 करोड़ का मुनाफे के मुकाबले करीब 17 करोड़ का घाटा इस बार हुआ है कंपनी को। ईयर ऑन ईयर काफी फॉल देखने को मिला है और यही वजह है जिसकी वजह से आज टीबीजेड में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। करीब करीब 2.5 रुपए की कमजोरी के साथ ये शेयर कामकाज करते हुए नजर आए। बिक्री फ्रंट पर भी एक अपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिली है। अगला शेयर जो मेरा है वो ओतल ओटल का है। यहाँ पर जो अप्रैल में सेल्स फिगर्स रही हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग रही हैं, जहां एक तरफ मेजर प्लेयर्स के सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं ओतल ओटल के जो सेल्स फिगर्स रहे हैं वो 50% स्लाइड होते हुए नजर आए हैं और अप्रैल में केवल 1242 यूनिट्स यहां पर सेल करते हुए नजर आई है ओतल ओटल। और यही वजह है जिसकी वजह से आज जोरदार गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। 40 रुपए का नुकसान ओतल ओटल के शेयर में देखने को मिल रहा है। ये दो नाम है मेरे में आज पहले के। जी साक्षी, बट स्वाति वेरी क्विकली, टीबीजेड जैसे साक्षी ने बताया अर्निंग्स को लेकर लार्जर कंसर्न्स बने हुए हैं एंड वी हैव सीन अ ड्रिफ्ट। अतुल ऑटो एज वेल एज जो सेल्स नंबर है दैट इज शोन अ रीजनेबल डाउनसाइड, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अतुल ऑटो को आप कैसा रेट करते हैं और आपकी क्या सलाह है अतुल ऑटो पर? अतुल ऑटो फिलहाल जस्ट उसने अभी 200 डे मूविंग एवरेज टच किया जो कि अराउंड 480 के ऑल लेवल्स हैं। एज ऑफ नाउ इट जस्ट मेड अ लो ऑफ 482.30, तो यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। वॉल्यूम के साथ काफ़ी सेलिंग आई है, पर थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस बैक दिख सकता है आफ्टर अ सेलिंग प्रेशर, विच मे टेक अ स्टॉक बैक टूवर्ड्स 495-500 के रेंज में आ जा सकता है। अगर किसी के पास भी ये स्टॉक बाय हो तो डेफिनेटली दे शुड होल्ड ऑन, बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अ 480 ऑन अ डाउनसाइड। अगर ये 480 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर इज लाइकली टू कंटिन्यू, जो कि स्टॉक लेके जा सकता है अराउंड 460 लेवल तक। तो अगर होल्ड पोजिशन है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा, बट मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ अ 480 ऑन अ डाउनसाइड एंड कैरी योर लॉन्ग्स पोजिशन। जी, तो दो स्टॉक्स यहाँ पर बताए हैं साक्षी ने, एक तो टीबीजेड और दूसरा अतुल ऑटो, जहां पर वीक अर्निंग से एक रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है और दोनों स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट संजीव, एक क्विक कमेंट आपका भी चाहिए। मैं देखा है कि जहां जहां खराब अर्निंग्स आ रहे हैं वहां वहां जो पनिशमेंट है वो साफ स्टॉक प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट होता है। दो एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर भी हैं, प्रिसाइसली कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे अतुल ऑटो या फिर टीबीजेड पर? देखिए, टीबीजेड के नंबर तो खराब आए हैं और पनिशमेंट मार्केट ने टीबीजेड को दे दिया है। लाइक टीबीजेड और एक ज्वेलरी कंपनियां हैं, उनके साथ एक समस्या चल रही है, गवर्नमेंट के साथ टसल चल रहा है कि एक्साइज को लेकर के और भी कुछ रेगुलेटरी टसल हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर ये होगा कि अभी इस गवर्नमेंट के साथ ये जो टसल चल रही है स्टेबल होने दें और उसके बाद फिर इस कंपनियों में निवेश करें। जी साक्षी, बाकी दो स्टॉक्स कौन से हैं? जी दीपाली, अगला नाम होगा कोल इंडिया का। यहाँ पर हमें जो खबर पता चली है कि अप्रैल में प्रोडक्शन अनुमान से कम रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन आज इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल में जो प्रोडक्शन है 3.4% घटता हुआ नजर आया और 40.09 मिलियन टन्स रहा है। साथ ही ऑफटेक की अगर तरफ नजर डाले तो यहाँ पर भी एक धीमापन साफ देखने को मिल रहा है। 2.5% तक की कमजोरी क्रेडिट ऑफटेक में भी देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से 6 से 7 रुपये की कमजोरी इस शेयर पर देखने को मिल रही है। आखिरी शेयर मेरा होगा IOC का। यहाँ पर सरकार की हिस्सा बिक्री की योजना है और जिसको CCEA ने मंजूरी दी है और 0.5% तक की हिस्सेदारी कंपनी में सरकार कंपनी के कर्मचारियों को काफी डिस्काउंट पर देगी। देखा जाए तो 367.65 रुपए प्रति शेयर पर ये जो हिस्सेदारी है वो बेचने के लिए सरकार जा रही है और उसी का रिफ्लेक्शन अब आप शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी डिस्काउंट पर ये ऑफर दिया जा रहा है ऑफ ऑफ सेल के हिसाब से और 7 रुपए की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है IOC के शेयर पर।
स्वाति, वी हैव क्विक रिएक्शंस ऑन एनी अदर स्टॉक. साक्षी इज जस्ट हाइलाइटेड, जैसे बता भी रहे थे साक्षी, आईओसी 420 और लेवल 7 रुपीस डाउन. टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपकी क्या राय है आईओसी पर? से टेक्निकली आयो से फिलहाल ओवरबॉट जोन से उसने जस्ट आ रहा है क्रॉसओवर देयर, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ऑन अपर लेवल्स. 440 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहाँ से ही हम लोग ने सेलिंग प्रेशर्स देखा गया है. तो आई बिलीव कि अगर किसके पास हो तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करके चले जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में पोटेंशियली अगेन इट मे फॉल टूवर्ड्स 400 to 410 लेवल. तो ये लेवल पे फ्रेश बाइंग आई विल नॉट रिकमेंड, बट जिसके पास है तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं. जी, तो चार स्टॉक्स बताए गए हैं जहां पर आज कमजोरी देखी जा रही है, और एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी भी आपने समझी कि आज की गिरावट के बाद आपको करना क्या चाहिए, बने रहना चाहिए इन शेयरों में, दूर रहना चाहिए, या फिर ये एक मौका है खरीदारी का. इस पर हमने आपको कमेंट दिलवाया.